बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, मैं काफ़ी अरसे से यानी कि ये नेट के ऊपर सर्च करती थी तो अक्सर मेकअप के वाले से लोगों के क्वेश्चंस मुख्तलिफ होते थे। अक्सर फैमिली वाले भी मेरे से पूछते थे और मैंने जब ये सर्च किया नेट के ऊपर तो लोग ये पूछ रहे होते थे कि कोई ऐसा जो फाउंडेशन हो जाए या बीबी क्रीम हो जाए जो कोई एक तो रीज़नेबल भी हो, दूसरा जब हम चेहरे पे लगाएं तो उसके लिए मैं किसी भी कंसीलर की भी ज़रूरत ना पड़े। तो मैंने पर्सनली तौर पे ये टीवी पार्लर वालों का फाउंडेशन यूज़ किया है। व्यूवर, जैसे कि आप ये देख भी रहे हैं कि ये टीवी पार्लर बीबी क्रीम के नाम से भी मिल जाती है। इसको एज ए फाउंडेशन भी यूज़ किया जा सकता है और बीबी क्रीम के हवाले से भी यूज़ किया जा सकता है। बीबी क्रीम मेरे ख्याल में ज़्यादा आमतौर पर बच्चियाँ जो होती हैं कॉलेज गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग जो होती हैं वो यानी कि हल्की सी वो फिनिशिंग के लिए चेहरे के ऊपर लगाती हैं, ताकि डेली वेयर में भी इसको लगाया जा सकता है। और मैं पर्सनली, मैंने भी कहीं जैसे किसी के घर में या फैमिली में कहीं जाना होता है तो मेरी कोशिश ये हुई होती है कि जस्ट इसको लगाया और थोड़ा सा भी मैं अपने बस आईब्रो को नीट करती हूँ और वो एक डार्क सी लिपस्टिक लगाती हूँ और चली जाती हूँ, तो वो ऐसा लगता है जैसे मैंने कम्प्लीट मेकअप लुक दी हुई है। तो यानी कि इतनी इसकी अच्छी कवरेज है कि मुझे किसी किस्म के भी कंसीलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये इसकी ना ये इतना ज़्यादा थिक क्वान्टी थिक यानी कि है और ना ये इतना ज़्यादा वो है क्रीमी टेक्सचर में, लेकिन जब ये लगाती हूँ ना मैं तो फिर ये होता है कि इसकी ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। एक जगह के ऊपर ना बिल्कुल स्टिक नहीं हो जाती, स्टिकी फॉर्म में नहीं आती और ना ये ऐसी होती है कि अगर मैं बाहर निकलूँ तो वो ये मेरा चेहरा ऑयली हो जाए, ये बहना शुरू हो जाए। ये वाटर प्रूफ है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, और मैंने तो इसको इतना काफ़ी अर्से से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैं जब इसको गर्मियों में भी सन ब्लॉक के तौर पे भी ये मेरा, क्योंकि इसमें SPF 15 है जो कि ऐसे सन ब्लॉक के तौर पे भी यूज़ हो सकती है, और मुझे अपनी स्किन के हिसाब से 10 टोन पे जाता है क्योंकि ये एक एवरेज शेड में ही आ जाता है 102 के। और लेकिन इसमें चार होते हैं नंबर, 101, 102, 103 एंड 104, लेकिन ये जो है मुझे अपनी स्किन टोन के हिसाब से 102 सूट करता है। लेकिन अगर कोई चाहते हैं कि जैसे कोई येलो बेस में भी कोई लगाना चाहते हैं तो उसके लिए 104 जो है वो नंबर अच्छा रहता है। पम्प फॉर्म में है क्योंकि मैं आपको अभी बता रही हूँ कि मैंने काफ़ी अर्से से इसको इस्तेमाल किया है और कर रही हूँ, तो अब ये काफ़ी हद तक ना ख़त्म होने वाली है। अब चलिए मैं इसके कुछ आपको इसका टेक्स्चर दिखाती हूँ। ये बहुत थोड़ी क्वान्टिटी में लगता है ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी भी ये देखें कि ये देखें यहाँ भी ये मेरा निशान भी है। ये देखें मैं निशान के ऊपर भी आपको लगा के दिखाती हूँ और वैसे भी स्क्रीन के ऊपर देखें आपके सामने बिल्कुल मैंने कम क्वांटिटी में। अब ये ना वैसे तो हो रही है मेरी ख़त्म, मैंने नई भी अब लेनी है तो मैं इससे इतनी इंतहाई सेटिस्फाइड हूँ कि अब मुझे अगर दुकानदार कोई कहेगा भी ना कि आप इसके अलावा कोई और देख लें तो मेरी प्रेफरेंस बल्कि मेरी यही होगी कि मैंने यही वाली लेनी है। ये देखें अगर मैंने ये देखें इतनी सी अपनी लगाई है और ये देखें मुझे कंसीलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और मेरा निशान भी जो था वो भी ख़त्म हो गया। अभी देखिए एक डॉट ही मैंने डॉट से भी कम मिकदार ली है। अब मैं इसको आपको ब्लेंड करके यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी कवरेज आप देखें इतना सॉफ्ट और इतना ये क्रीमी है टेक्चर, बिल्कुल इतनी कम क्वांटिटी में। आई थिंक कि मैं इससे थोड़ा बस डबल लेती हूँ, वो मेरे फेस के लिए ना ये सारी पूरी हो जाती है। एंड में जब मैं इसको पूरे फेस के ऊपर ऐसे स्प्रेड कर लेती हूँ, फैला लेती हूँ, तो फिर मैं थोड़ा सा फिर इसको ज़रा ब्यूटी ब्लेंडर से ना टैप कर देती हूँ ताकि जो अगर मेरे स्किन के पोर्स खुले हुए हैं पोर्स तो वो उसके अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखें बस इसे थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि डे में अगर हम लोग बाहर जाते हैं ना तो नेचुरली हमें तो चाहिए होती है ताकि वो बुरी भी ना लगे देखने में, तो सर्दियों में तो ये मैं इसको ऐसे ही करके चली जाती होती थी तो एक नेचुरली एक वो शाइन भी चेहरे के ऊपर आ जाती है। लेकिन गर्मियों में मैं कोशिश होती है कि हल्का हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर यानी कि जिसको फेस पाउडर भी कहा जाता है वो अब ऐसे ही मैंने लगा दिया तो फेस पाउडर ऐसे ऐसे ऊपर मैं टैप कर देती हूँ। अब इस टाइप मैं फेस पाउडर पास रख के बैठी हूँ, अदरवाइज मैं आपको वो भी टैप करके दिखाती कि गर्मियों के लिए ये बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है। एक और मैं आपको इसकी खसूसियत ही बताती हूँ व्यूवर्स, मैं किसी कंपनी की तरफ से इसकी नहीं वो उसकी एडवर्टाइजिंग कर रही, मैं अपना पर्सनली आपको व्यू बता रही हूँ कि इसको ऑयली और कम्बिनेशन दोनों स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, इसको ड्राई वाले भी कर सकते हैं। सर्दियों में जैसे हमारी स्किन ड्राई होती है ना तो मुझे इसको लगाने से पहले किसी भी किस्म के मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं इसको ऐसे लगा लेती हूँ। लेकिन गर्मियों में थोड़ी मेरी ये होती है कोशिश कि मैं इससे पहले वो ड्राई
यानी कि वो जो मिलता है ना प्राइमर, वो लगा लूँ ताकि अगर वो इसके ऊपर वो जो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा वो है नमी नमी वाला मॉइस्चराइजिंग है, तो आपको पता है गर्मियों में तो ऑलरेडी वो मॉइस्चराइजिंग हमारा फेस और इतना ज़्यादा हुआ हुआ होता है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा फिर अपने पोर्स को बंद करने के लिए ना प्राइमर लगा लेती हूँ। तो प्राइमर के बाद जैसे मैं इसकी लाइट से इसकी क्वांटिटी अपने फेस के ऊपर अप्लाई करती हूँ, देन मैं फिर इसके ऊपर कॉम्पैक्ट से इसको टैप टैप करती हूँ, तो मेरी ये बेस आराम से 4 से 5 घंटे निकल जाती है। उसके बाद भी ये है कि वो इस तरह नहीं होती कि वो बहना शुरू हो जाए या वो डबल टोन हो जाए कि वो कहीं से फट रही है कहीं से, ऐसी नहीं होती। बस वो ये होता है कि जैसे हम गर्मी में मौसम में बाहर निकले होते हैं तो जैसे वो सूरज की वजह से वो गर्मी की वजह से तो वैसे फील होता है कि कहीं हमारी ना ये वो यानी कि बेस फटना ना शुरू हो, तो फिर उस टाइम अगर पास मेरे कॉम्पैक्ट होना तो मैं उसको हल्का। अच्छा व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मेरे दोनों हाथों का फ़र्क, ये जो मैंने ये बेस अप्लाई किया है फाउंडेशन, मेरे हाथों में बिल्कुल भी ये ग्रे नहीं हुई, यानी कि जैसे मैंने लगाए ना ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होती। ऑक्सीडाइज का मतलब कि मसलन कि जैसे मैंने लगाई ना ऐस की जूं की तू ये रही है, इसने 5-6 घंटे तक भी अपने कलर को चेंज नहीं करना, मुझे इसका सबसे बड़ा यही अच्छा लगता। नहीं तो अक्सर बेसें या बीबी क्रीम जो हम लगाते हैं थोड़ी देर के बाद या तो वो उड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है, या फिर उसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसी कोई भी वो नहीं है। अच्छा तो एंड में अब ये आप कहेंगे कि इतनी ज़्यादा मैं इसकी तारीफ़ें कर रही हूँ, तो मैंने ना ये बताया मैंने ली कहाँ से है और ना ये कि इसके प्राइस क्या है। तो इसको मैंने एक आम लोकल मार्केट से लिया, ये लोकल मार्केट में भी बस आसानी मिल जाती है, बड़े से बड़े स्टोर्स के ऊपर भी टीवी पार्लर के नाम से आराम से मिल जाती है। तो मैंने व्यूवर्स ये जो मार्केट में जैसे जैसे यानी क्या कहते हैं लोकल मार्केट में कोई रेट थोड़ा कम ज़्यादा का हिसाब होता है, तो वैसे ये इजीली यानी कि 1000 से नीचे लेस प्राइस में ही आपको मिल जाएगी, यानी कि 750-800 जिस तरह कोई वो दुकान या वो मार्केट का हिसाब है वहाँ पे ही मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इसके डिलीवरी चार्जेस ऑनलाइन मंगवाएंगे तो वो फिर आपको डिलीवरी चार्जेस इसके पड़ते हैं। और उसके बाद ये है कि व्यूवर जी मेरी फर्स्ट मेरी ये थी आपके साथ शेयरिंग, तो अगर आप ये मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके लिए मज़ीद अच्छे से अच्छी वो बनाऊंगी और अपने व्यू जो अपने मेरे एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने टीवी पार्लर वालों का मैंने प्राइमर भी लिया और वो भी मैं यूज़ करती हूँ, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह उसका रिव्यू शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि इनकी कॉस्मेटिक्स जो ये सारी ये लॉन्च की हुई है इनका रिज़ल्ट और इनकी जो प्राइस वगैरह बहुत ही रीज़नेबल है। और मेरी ये आप लोगों से होगी कि आप ये इस्तेमाल करें पर्सनली, तो फिर आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।